द पोस्ट ऑफ भारत की अब रिलायंस कंपनी पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब इस प्राइवेट कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर भारत का एक काफी बड़ा सपना साकार कर दिया है। जी हां दोस्तों, बता दें कि अब रिलायंस कंपनी भारत सरकार के साथ मिलकर एक काफी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है, जो भारत को एक काफी बड़ी उपलब्धि दिलाएगा। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि यह कौन सा प्रोजेक्ट है और इस पर भारत किस तरह से काम करने वाला है। दरअसल दोस्तों, विश्व में जब जब सबसे बड़े और जटिल प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने वाले देशों की बात होती है, तब तब भारत का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि हमारा देश लगातार तकनीकी क्षेत्र में विकास करता जा रहा है और अब इसी के चलते भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से रफ्तार पकड़ेगी, जिसके चलते देश का एडवांस लेवल पर ग्रोथ होना तय है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल, और भारत के भविष्य के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे एडवांस्ड लेवल पर अपने देश को लेकर जा रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में उठकर डेवलप और सुपर पावर वाले देशों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहा है, जिसके चलते अब उसे बड़े से बड़े टेक्निकल डेवलपमेंट अपने देश में करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल का प्रोजेक्ट भारत बहुत ही तेजी से शुरू कर रहा है, और इससे ग्रोथ और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भारत ने इसमें पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रखा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से भारत की नंबर वन प्राइवेट कंपनी तैयार करने वाली है, जिसका नाम रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है। खबर आ रही है कि इस सबमरीन केबल को तैयार करने में 1 से 2 साल तक का वक्त लग सकता है और इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में पूरा किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट एशिया एंड यूरोपियन प्लेयर्स के अंडर बनेगा। इस सबमरीन केबल का काम होगा इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। अब ऐसे में दोस्तों, जब से यह खबर बाहर आई तो लोगों के विचार 2 हिस्सों में बंट गए, जिनमें से कुछ का कहना है कि यह बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि सरकार देशवासियों के और भारत की अर्थव्यवस्था के हित में जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के विचार यह भी है कि हमारे पास पहले से ही इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, तो आखिर इसे बनाने की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां पर इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा कम है, और भारत में लगातार इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जितना इंटरनेट कनेक्शन भारत में प्रोवाइड करवाया जा रहा है उतना उस पर लोड भी बढ़ रहा है, जिस वजह से लगातार इंटरनेट की स्पीड और क्वालिटी घटती जा रही है। और यह एक ऐसा वक्त है जिसमें इंटरनेट के बिना किसी भी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ कर पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए अब भारत लो स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले देशों की लिस्ट से अपना नाम हटाकर फास्टेस्ट स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले देशों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, जिसके लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट को जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है, और भारत के सपने को पूरा करने के लिए उसका साथ निभा रही है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रिलायंस प्राइवेट कंपनी को बहुत बड़ा अप्रूवल सरकार की तरफ से मिल चुका है। सबमरीन केबल प्रोजेक्ट के लिए मैप भी तैयार हो चुका है, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से केबल पूरी दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बिछाई जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए यह काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर काम अब शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब भारत और अमेरिका के बीच ऐसी ऐतिहासिक डील होने वाली है जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जी हां, इस डील को करने के लिए अमेरिका ने भारत से 90 दिन का समय मांगा है, यानी कि सिर्फ 3 महीनों में इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा। पर कहा जा रहा है कि 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका भारत को ही तकनीक देने को राजी हो गया है। ऐसे में क्या है यह पूरी खबर और इस ऐतिहासिक डील के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अमेरिका सरकार आने वाले 3 महीने यानी कि 90 दिनों के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर पर अप्रूवल को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है, जो कि पिछले कुछ महीनों में अटका हुआ है।
क्योंकि अमेरिका भी भारत के साथ इंजन और फाइटर जेट्स के क्षेत्र में पार्टनरशिप करने को लेकर काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट कंट्रोल और लाइसेंस रिक्वायरमेंट की वजह से अभी तक अमेरिकन सरकार ने जनरल इलेक्ट्रिक को ऑफिशियल परमिशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक भारत को पहले F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकी। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल परमिशन मिल जाएगी उसके बाद तुरंत ही जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F414 इंजन का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देगी, जिसका इस्तेमाल करके हम देश के अंदर इस इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर सकते हैं, जो हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तेजस मार्क 2 में F414 इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया जाना है। ऐसे में अगर सही समय पर यह डील हो जाती है और भारत इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देता है, तो हम साल 2024 के अंत तक तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप रूल आउट कर सकते हैं, जिसके बाद 4 साल की टेस्टिंग के बाद यह एयरक्राफ्ट 2028 तक मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके 108 यूनिट खरीदने का वादा भारतीय वायुसेना पहले ही कर चुकी है। साथ ही ऐसे 70 एयरक्राफ्ट बाद में खरीदे जाएंगे, यानी कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 के कम से कम 170 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने वाली है, जो एक काफी बड़ा और अच्छा वॉल्यूम है, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो सकता है, जो हमारे मौजूदा रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफी जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को जिस इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, इसका इस्तेमाल हम एमका के मार्क 1 और 2 में भी करेंगे। ऐसे में अगर 90 दिनों के अंदर अमेरिकी सरकार की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ऑफिशियल परमिशन दे दी जाती है, तो इससे अमेरिका भारत के साथ अगले कई दशकों के लिए एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप की नींव रख देगा, जिसकी बुनियाद सबसे एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, जो न सिर्फ अमेरिका पर भारत का भरोसा बढ़ाएगा, बल्कि इससे इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी हम खुलकर चीन के खिलाफ अमेरिका का समर्थन भी कर सकेंगे। मतलब यह डील दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छी होगी। बता दें कि शुरुआती 15 सालों में F414 इंजन के 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, जो आने वाले 40 सालों के भीतर 600 इंजन तक पहुंच जा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात की जानकारी दी गई है कि अमेरिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ताकि भारत के साथ जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर होने वाली यह डील पीएम मोदी के अमेरिकी विजिट से पहले कर ली जाए, ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे, तब दोनों देशों के संबंध एक बिल्कुल नए लेवल पर होंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए ट्रेड और बिजनेस के मामले में कई नए फैसले लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।